हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये डायलॉग जब भी सुनो तो ऐसा लगता है कि शाहरुख खान से बेहतर ये डायलॉग कोई बोल ही नहीं सकता था। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और ये डायलॉग आज भी हिट है। बाजीगर फिल्म शाहरुख खान के करियर की मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म का डायरेक्शन किया था अब्बास मस्तान की जोड़ी ने और फिल्म रिलीज हुई थी 12 नवंबर 1993 में। बाजीगर फिल्म जिसमें कोई भी हीरो काम करने के लिए तैयार नहीं था। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और आज ये फिल्म कल्ट क्लासिक मानी जाती है। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, साउंड ट्रैक और एक्टर्स की परफॉर्मेंस सब कुछ अल्टीमेट है। मेरा दिल था, खेला तूने खेल ऐसा खेल। फिल्म में लीड रोल में थे शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी। सपोर्टिंग कास्ट में थे राखी, दलीप ताहिल, जॉनी लीवर, सिद्धार्थ राय, अनंत महादेवन और दिनेश हिंगू। बाजीगर मैं, बाजीगर। ये फिल्म सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं बल्कि काजोल के करियर की भी टर्निंग पॉइंट थी और शिल्पा शेट्टी जिन्होंने इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी उनके लिए तो ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। एक एक्टर का डेब्यू ऐसी फिल्म से हो इससे बेहतर उसके लिए क्या हो सकता है। फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट हुआ था। इसके गाने एवरग्रीन हैं, आज भी जब भी सुनो तो बहुत अच्छे लगते हैं। फिल्म का सुपर डुपर हिट गाना ये काली काली आंखें, ये काली काली आंखें। काजोल ने एक इंटरव्यू में इससे जुड़ा हुआ एक राज खोला था। काजोल ने उस इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म का ये गाना उनके लिए नहीं लिखा गया था। हालांकि बाद में ये गाना काजोल पर ही पिक्चराइज किया गया, जबकि काजोल की आंखें काली नहीं बल्कि ब्राउन हैं। काजोल के अकॉर्डिंग फिल्म के सभी गाने एक साथ लिखे गए थे। डायरेक्टर अब्बास मस्तान को ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरी आंखों के रंग पर ध्यान ना देते हुए इस गाने को मुझ पर पिक्चराइज करने का फैसला लिया। ये काली काली आंखें। ये सुपर डुपर हिट गाना अनु मलिक ने कंपोज किया था और इसका कुछ हिस्सा अनु मलिक ने भी गाया है। मैं मिला, तू मिली। आज जब हम बाजीगर फिल्म देखते हैं तो शाहरुख खान वाले कैरेक्टर में किसी और एक्टर को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कैरेक्टर को कई सारे एक्टर रिजेक्ट कर चुके थे। पहले इस कैरेक्टर के लिए अक्षय कुमार को अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो नेगेटिव शेड वाला कैरेक्टर नहीं करना चाहते। उसके बाद सलमान खान, अनिल कपूर और यहाँ तक कि अरबाज खान भी ये कैरेक्टर रिजेक्ट कर चुके थे। फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मस्तान को सलमान खान और उनके पिता सलीम खान ने एक सजेशन दिया था। इसके बारे में खुद सलमान खान ने एक दफा कपिल शर्मा के शो में बताया था। फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा याद करते हुए उन्होंने कहा, मेरे पास जब अब्बास मस्तान बाजीगर का ऑफर लेकर आए और जब मैंने और मेरे फादर ने ये कहानी सुनी तो कैरेक्टर नेगेटिव लग रहा था। इस पर मैंने और मेरे पापा ने कहा कि इसमें एक माँ का कैरेक्टर डाल दो और कहानी को उससे कनेक्ट करो तो मैं ये फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर अब्बास मस्तान हंसकर चले गए। बाद में अब्बास मस्तान ने फिल्म में माँ वाला एंगल भी डाला और शाहरुख खान को लेकर फिल्म कम्प्लीट भी कर ली। उसके बाद अब्बास मस्तान ने सलमान खान को फोन करके कहा कि हमने फिल्म में माँ वाला एंगल डाल दिया है और शाहरुख खान के साथ फिल्म कंप्लीट भी कर ली। इस बात को याद करते हुए सलमान खान कपिल शर्मा के शो में बहुत हंसे थे। यदि उस दिन अब्बास मस्तान सलीम खान की बात तुरंत मान लेते तो शायद बाजीगर में सलमान खान होते। मैं मिला, तू मिली, मैं मिला, दुनिया जले तो जले। काजोल को फिल्म में बहुत खूबसूरत दिखाया गया था और ये फिल्म काजोल के करियर की पहली हिट फिल्म थी। लेकिन डायरेक्टर अब्बास मस्तान फिल्म में श्रीदेवी को जुड़वा बहनों की रोल में लेना चाहते थे, यानी कि काजोल और शिल्पा शेट्टी दोनों के कैरेक्टर में अब्बास मस्तान श्रीदेवी को कास्ट करना चाहते थे। श्रीदेवी के मना करने के बाद उन्होंने काजोल और शिल्पा शेट्टी को कास्ट किया और शिल्पा शेट्टी को कास्ट करने से पहले इस कैरेक्टर के लिए मधु को अप्रोच किया गया था।
लेकिन मधु के मना करने के बाद ये फिल्म शिल्पा शेट्टी को मिली। सीमा के किरदार से शिल्पा शेट्टी ने अपनी पहली ही फिल्म से ऑडियंस का दिल जीत लिया। इससे पहले शिल्पा शेट्टी एक फिल्म से डेब्यू करने वाली थी जिसका नाम था गाता रहे मेरा दिल, लेकिन ये फिल्म बन ही नहीं पाई। शायद शिल्पा शेट्टी की किस्मत में बाजीगर जैसी फिल्म लिखी थी। बाजीगर फिल्म को देखकर ऑडियंस उस वक्त हैरान हो गई थी जब फिल्म का लीड हीरो फिल्म की लीड हीरोइन को बुरी तरह से मार देता है। ये अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा ही नहीं था कि अचानक से फिल्म में इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। ये फिल्म में नयापन था, ये एक एक्सपेरिमेंट था और इस तरह की फिल्म ऑडियंस के सामने पहली बार आई थी। शायद इसी नएपन की वजह से ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। फिल्म में शाहरुख खान को उनकी परफॉर्मेंस के लिए पहली बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बाजीगर मूवी 1991 में आई हॉलीवुड मूवी की रीमेक थी जिसका टाइटल था अ किस बिफोर डाइंग। बाजीगर मूवी उस साल की चौथी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म ने उस दौर में करीब 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था अकॉर्डिंग टू अब्बास मस्तान। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 1992 में शुरू हो गई थी, लेकिन 93 में अयोध्या कांड के बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। इस फिल्म से अब्बास मस्तान ने कंटिन्यू दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। इससे पहले अब्बास मस्तान की 92 में फिल्म आई थी खिलाड़ी, जो कि ब्लॉकबस्टर हुई थी। ये फिल्म शाहरुख खान और काजोल की एक साथ पहली फिल्म थी जो कि बाद में बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गई। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि ये दोनों एक साथ कई फिल्में किए और वो फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं। ये फिल्म शाहरुख खान के करियर की शुरुआती दौर की फिल्मों में से एक है और इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करके उन्होंने अपने करियर में बड़ा रिस्क लिया था और ये रिस्क लेकर ही वो बॉलीवुड के बाजीगर बन के उभरे। दिल की बाजी जीता दिल हार कर। इस फिल्म से पहले शाहरुख खान की गिनती फिल्म इंडस्ट्री के छोटे मोटे कलाकार के रूप में होती थी और इसी रीजन की वजह से अब्बास मस्तान को फिल्म में शाहरुख खान को कास्ट करना बड़ा रिस्क भरा लग रहा था। मुझे लगता है कि शायद अब्बास मस्तान को भी नहीं लगा होगा कि ये कैरेक्टर शाहरुख खान से बेहतर कोई और प्ले कर ही नहीं सकता था। ये फिल्म शाहरुख खान को मिलना किस्मत की ही बात है। एक दिन शाहरुख खान अब्बास मस्तान की ऑफिस में किसी दूसरी फिल्म की कहानी सुनने पहुंचे थे। उसी टाइम अब्बास मस्तान बाजीगर में विकी मल्होत्रा के कैरेक्टर के लिए दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले एक्टर की तलाश कर रहे थे। जब शाहरुख खान अब्बास मस्तान से मिले तो अब्बास मस्तान ने सोचा कि शाहरुख पर दाव खेला जा सकता है। जब अब्बास मस्तान ने शाहरुख खान को विकी मल्होत्रा वाला कैरेक्टर सुनाया तो शाहरुख खान को वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया और शाहरुख खान बैड बॉय का कैरेक्टर प्ले करने के लिए तुरंत राजी हो गए। बाजीगर में बाजीगर। जब इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला तब शाहरुख खान अवार्ड लेने के बाद सीधे भिंडी बाजार अब्बास मस्तान के घर पहुंच गए, जहां शाहरुख खान ने देखा कि एक छोटे से कमरे में अब्बास मस्तान के अलावा और भी बहुत लोग सो रहे थे। वहां पहुंचकर शाहरुख खान ने अब्बास मस्तान के पैर छुए और शाहरुख खान ने अब्बास मस्तान से कहा कि ये अवार्ड मुझे आपकी वजह से मिला है, इसलिए आप दोनों के आशीर्वाद के बिना मैं घर नहीं जा सकता था। बाजीगर में बाजीगर। फिल्म के साउंड ट्रैक की 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ यूनिट्स बिकी थी और ये उस साल का सबसे हाईएस्ट सेलिंग एल्बम था। बाजीगर फिल्म को उस साल 10 नॉमिनेशंस मिले थे और फिल्म ने 4 अवार्ड अपने नाम किए थे। अब बात करते हैं फिल्म के क्रेडिट्स पर। तो फिल्म को डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान ने और फिल्म के राइटर थे रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना और जावेद सिद्दीकी। फिल्म को प्रोड्यूस किया था गणेश जैन और चंपक जैन ने। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे थॉमस ए जेवियर। फिल्म को एडिट किया था हुसैन बर्मा वाला ने। फिल्म के गाने लिखे थे नवाब आरजू, देव कोहली, जफर गोरखपुरी, रानी मलिक, जमीर काजमी और गौहर कानपुरी ने। फिल्म में म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने
और बैकग्राउंड स्कोर किया था श्याम सुरेंदर ने। इस फिल्म का मेकिंग बजट था 4 करोड़ और फिल्म ने लगभग 8 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी थी कुमार सानू, अलका याग्निक, आशा भोसले, विनोद राठौर और अनु मलिक ने। फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.6। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और कंटेंट के साथ। बाय बाय।